इसका सीपीयू रिबॉल है, इसका एमएमसी रिबॉल है, इसकी पावर चेंज है, फिर भी ये सेट ऑन नहीं हो रहा है। हेलो चार्जिंग में ये 0.0 MPL ले रहा है, कितना अभी क्या करें? तो सर क्या हम भी कोई कर्म करें कि पावर रिबॉल कर दें या हम भी सीपीयू उठा दें? हम सारी कंडीशन को सही तरीके से चेक करेंगे। तो अगर हम चीजों को यहाँ से समझे, देखो होता है क्या है कि जिस भी बोर्ड में अगर पावर आईसी किस तरह से लगी है, एक जगह क्या लगी है BMI, और एक बार क्या लगी है BMI, और एक कौन लगा है CPU, और एक कौन लगा है USB, या क्या लगा है US। अभी इसको हम नॉर्मल, क्योंकि हम डे फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, हेलो केस स्टडी समझ रहे हैं कि हमारी क्लास के बाद जब हमें प्रैक्टिकल जाना है, सबसे पहले जब हम बैटरी लगाते हैं या चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने पर हमारा सबसे पहले जो 5 वोल्टेज है वो बीबस होता है, जो हमारा पीएमआई के अंदर इन होता है। हेलो क्योंकि चार्जिंग लगाने पर यह आईसी अपने अंदर एक मॉस्फेट की स्विचिंग करेगी, मतलब ऑन करेगी, और उसके साथ लगे चार्जिंग कॉइल पर जिधर आपको एक वोल्टेज बनाएगी, और वो वोल्टेज कितना होगा जल्दी बताओ, 3.6। और इस लाइन को आगे किधर भेजेगी जल्दी बताओ, और इस लाइन को हम नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे बताओ। तो अब हमको यहाँ पर दो सप्लाइयां मिल रही है, एक प्राइमरी बोलो और एक सेकेंडरी, और दोनों पर हमारे एक प्राइमरी मतलब क्या बीबैक, हेलो जो हमारी कहां से बैटरी के प्लस से आएगा, बैटरी के प्लस से आएगा, और एक हमारी होगी BBS। इधर भी कितने वोल्टेज 4, इधर भी वोल्टेज कितने 4, दोनों ही सेम वोल्टेज है, पर दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, एक पूरा कंप्लीट MOSFET का सर्किट है जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा सर्किट में, जब हम 3 से 14 दिन तक काम करेंगे। तो इसके बाद पीएम क्या कर रहा है, अपने आपको सीपीयू को ऑन करने के लिए कुछ बक कॉइल को रखा है, हेलो बक कॉइल को वोल्टेज दे रहा है, और वो वोल्टेज मिनिमम कितना है बोलो, मैक्सिमम कितना है, हाँ। और जब हमारा चार्जर लगा होता है तो इसके बीच में वोल्टेज आता है, अब समझना। और अब हमें किसको वोल्टेज देना है, तो पीएम क्या करेगा, पहले अपने एलडीओ सेक्शन को ऑन करेगा, किसको ऑन करेगा, क्योंकि ये बीपीएच अभी केवल बक सेक्शन को ऑन कर रहा है, किसको ऑन कर रहा है, तो इसमें क्या करेगा, इसी से 2 बक ऑन निकलेगा और इसी को वापस पहुंचेगा, इसी से निकलेगा और इसी को वापस पहुंचेगा, इसको एक को कहेंगे हाई एलडीओ, लोअर एलडीओ, हेलो LDO, मतलब ये यहाँ पर 2 वोल्टेज और यहाँ पर 1.3 वोल्टेज, और ये जहाँ अंदर पहुंचेगा, ये अंदर कहाँ पहुंचेगा, LDO में, बोलो ये जैसे मान लो मैं इसको B1 और इसको C1, तो ये मेरा B1 हो गया और ये मेरा C1, तो ये इसका इनपुट हो गया LDO, तो तब जाके LDO के छोटे छोटे L बनेंगे जो MMC और बाकी सेक्शन को ऑन करेंगे, L2, L3, L4, L5 जो भी है। तो सिंपल ये है, हमें क्या सबसे पहले ये चेक करना है, क्योंकि अभी एक टेक्नीशियन के लिए सेट है लोकल में जिसमें उन्होंने सब रिवॉल किया, वो चेक ही नहीं कर रहे कि PMI ओके है, PMI बदल रहे, उनको लग रहा है कि भाई सब कुछ आईसी का काम कर रहा है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके फोन में सबसे पहले कौन सा वोल्टेज ढूंढेंगे, 5 वोल्ट, बोलो 5 वोल्ट, दूसरे नंबर 5 वोल्ट आने पर हम PMI को ये बोलेंगे कि इनपुट सही है, फिर हम इसके नंबर पे चार्जर लगा के कौन सा वोल्ट ढूंढेंगे, पहला वोल्ट, तो हम ये मानेंगे कि PMI सर, और ये हम ढूंढेंगे अपने PM के पास के कैपेसिटर में, हेलो सर। अब हम PM का सबसे पहले जो हम ढूंढेंगे हाई LDO, बोलो लोअर LDO, उसके बाद बक, और अगर ये तो बने तब जाके LDO, हेलो प्रॉब्लम ये यहाँ कुछ नहीं बनना, यहाँ पर ये कोई भी सप्लाई नहीं, आओ चेक करते देखते हैं। तो हमें चेक क्या करना है, देखो ठीक है, इस तरह से राउंड में पूरा दिखाना है। हाँ अब हम क्या करेंगे, चार्जर का यूज करेंगे, अब सब लोग पहले इसको समझना, इसको दिखाओ अपने कैमरे में, दिखाओ सबसे
अब लोग कैमरे में अपना यूएसबी एम्पियर सर्किट देखो, वो कितना चार्जिंग ले रहा है। हेलो, मेरा पीछे। तो विदाउट बैटरी हम अगर क्वालकॉम के सेटों के अंदर जिसमें दो पावर लगी है, अगर उसमें हम चार्जर लगाते हैं तो ये एटलीस्ट मिनिमम लेना चाहिए 0.10 बोलो 0.20 अगर 0.10 और 0.20 नहीं आया तो ये समझ लेना ना लोगो आएगा सेट का। हेलो, अगर चार्जिंग में प्रॉब्लम नहीं हुई तो समझ में आ रहा है मेरे? तो हम चार्जर लगा रहे हैं तो सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर। यस सर, यस सर। हमने बैटरी नहीं लगाई है और हम सिर्फ खाली 0.10 देख रहे हैं, पूरा 1 एम्पियर नहीं हमने लगा दिया है और अभी हमें कोई भी एम्पियर नहीं आ रहा है। आप देख लो यहाँ पर हमको कोई भी एम्पियर शो नहीं कर रहा। तो ये चार्जिंग का वोल्ट हो सकता है अभी हमारी एक्टिवेट नहीं हो रहा भाई। जिसके अंदर वो हवा भरता ना साइकिलों की, वही कितना ये पंचर डाला ये भर दिया। बट अगर उसको हम बोलेंगे भाई ये टायर के अंदर का मैकेनिज्म बताओ या इसके अंदर का ये करो तो वो नहीं कर पाएगा, राइट? यस सर। पंचर वाला नहीं बनना है हमको। यस सर। क्या नहीं बनना है? पंचर वाला नहीं बनना। हमको इंजीनियर बनना है। यस सर। हमको अंदर का मैकेनिज्म बताना है हमको। पंचर वाला सिर्फ आईसी रिबोल करके आईसी लगाकर काम हमारा होना नहीं। तो हम सबसे पहले इसकी उतनी डिटेलिंग चेक करेंगे जितनी मैंने वहां पर आपको बोर्ड में समझाई। सबसे पहले हम चेक करेंगे बीबस, एक एक करके बोलते हुए चलता हूँ और यहाँ पर भी दिखाते हुए चलता हूँ। में आया फिलहाल अभी तक की हिस्ट्री में क्या समझ में आया जल्दी बताओ। पावर आईसी इस सप्लाई के साथ आप में से कौन कौन चेक कर लेगा पावर? ओके, ऐसा सर्किट बनाने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? अब अपन क्या करें? तो सर बक तो अभी भी नहीं बन रहा है तो अपन पहले सीपीयू नहीं उतारेंगे, अपन पहले बक कॉइल उतारेंगे। क्या उतारेंगे बताओ? हाँ जी, ये बक कॉइल पे लोगों की नजर नहीं जाती, बक कॉइल चेंज नहीं करते, चेक नहीं करते, सिर्फ सीपीयू बनाते हैं। तो देखो फिर से देखो, ये वोल्टेज आ रहा है, बीपीएच आ रहा है, बीपीएच आ रहा है, पर हमारा कोई भी बग नहीं बन रहा। और हमारा एलडीओ नहीं बन रहा। दिख रहा है बनते हुए? यहाँ पर हमारा एलडीओ नहीं बन रहा। बट अगर हम यहाँ पर बात करें, हमारा एक वोल्टेज जरूर बन रहा है 1.8 जो हमें बता रहा है कि पीएम हमारा ओके। यहाँ पर देखो तो कोई ईएमसी का वोल्टेज एलडीओ भी नहीं बन रहा है यहाँ पर 1.8 2.8 ऐसा ईएमसी बीसीसी बीसीसी क्यू ये सब बनना चाहिए पर ये कोई भी वोल्टेज बन नहीं रहा। तो हम अब इसके अंदर एक एक करके बक कॉइल को चेक करेंगे। तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि हम सबसे पहले हाई एलडीओ को उतारेंगे। किसको उतारेंगे? हाई एलडीओ उतारेंगे। उसका रीजन भी बताता हूं, मेरे को टेप दो जरा, छोड़ो बंद, इसके नीचे कनेक्टर है, कनेक्टर को सेव कर लेंगे, वैसे कनेक्टर चेंज करना है। अब कॉइल बीप आए नहीं आए डजंट मैटर, क्योंकि कॉइल में बीप आने को भी सही नहीं बोलेंगे, बीप नहीं आने को भी नहीं बोलेंगे। रीजन क्या है? कॉइल माइक्रो हेनरी पे चल रहा है, वो वैल्यू देता है, हम वैल्यू नहीं चेक कर सकते, वी डोंट हैव अ मल्टीमीटर ऑफ माइक्रो हेनरी टेस्टिंग ऑफ माइक्रो हेनरी, बट है हमारे पास, कल मैं आपको सबको चेक करके सिखाऊंगा, कल आप हर कोई कॉइल चेक कर पाएंगे, बट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू चेक दिस कॉइल। अभी कैसा है? अभी मत करें सर, पागल है क्या? अभी ठंडा होने देते, उसको दबा रखें। अब क्या करेंगे? अब अपन वापस चार्जर लगाएंगे। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये लोगों को नहीं पता है। और अब पावर अगर इसके एक पैड पे पावर साइड वोल्टेज दे रहा है
तो ये समझना कि अब मेरा पावर ओके हो गया है, हेलो, और ये वोल्टेज होना चाहिए 0.5 1.1। हाँ, मीडियम टेक में ये वोल्टेज आता है 4, पूरा 4 लेता है भाई वो। चलो देखो, अब बाबा चार्जर लगाएंगे, और अगर ये तब नहीं हुआ तो दूसरा कॉइल निकालेंगे, इसको लगा देंगे और फिर अब उसमें वोल्टेज दिखेंगे। हर एक एक कॉइल को निकालेंगे और एक साइड में क्या चेक करेंगे, वोल्टेज। वो वोल्टेज किधर से आएगा, पावर से। चार्जर लगाएंगे, देखो तो पहले अपन ये चेक करें 5, फिर अपन चेक करेंगे BPH, और फिर अपन वोल्टेज, यहां पर वोल्टेज देखेंगे, नो। अब इसमें एक कंडीशन और करेंगे, अपन वोल्टेज चेक करने के लिए बैटरी भी यूज करेंगे, देखें और देखते हैं, और नहीं आई तो फिर अपन चेंज करेंगे कॉइल और वापस लगाएंगे, पर कॉइल चेंज करके लगाएंगे, दूसरी नहीं लगाएंगे, वही नहीं लगाएंगे। समटाइम ये वोल्टेज दे रहा है, अब देखते हैं अभी क्या वोल्टेज का सीन है, नोटिस करो, देखो मेरे भाई। और यहाँ पर हम चार्जर लगाएंगे, हमने बैटरी लगाई है, ये हमें 5 वोल्टेज मिला, ये हमें वोल्टेज अभी यहाँ पर हमें मिला 3.6, और यहाँ पर हमें अभी कोई वोल्टेज नहीं मिला, अभी फिलहाल कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब हम इसके GR चेक कर लेंगे, नोटिस करो, ठीक है, नहीं मिला, पर हमारी पावर तब भी टाइम पर चार्जर निकाल के लगा सर, वो हम अल्टीमेटली काटा तो चार्जर निकाल के। अब इसका एमिट, अब इसका हम GR लेंगे, तो ये GR ओके है पावर की ओर, और ये CPU का GR है, ये भी ओके है, मतलब कोई शॉर्ट नहीं है। अब अपन वापस करेंगे, एक दूसरा कॉइल निकाल के लगाएंगे कोई बोर्ड का, ठीक है, तो कोई भी अपन फोन उठा लेंगे, इसका बक कॉइल चेंज करेंगे, तो पहले हाई LDO चेंज करना है, दिमाग में रखना हाई LDO, क्यों, क्योंकि बूट सुकेंस हाई LDO से बनता है। अभी मैं आपको इसका बूट सुकेंस का पर्चा दिखाऊंगा, समझाऊंगा आगे। फिलहाल हमने कॉइल चेंज किया है, हमारा हाई LDO चेंज हुआ है। अब हमारा हाई LDO हमने क्यों चेंज किया, हमने बाकी कॉइल क्यों चेंज किया, आओ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। इसके हिसाब से जैसे हम पावर को ट्रिगर करते हैं, सबसे पहले S4 मतलब हाई LDO बनता है, क्या बनता है, चलिए समझ में आ रहा है मेरी बात, अगर ये हाई LDO बनेगा तब जाके बाकी के बग बनेंगे, इसलिए हमने सबसे पहले किस कॉइल को उठाया, क्योंकि बाकी कॉइल बने नहीं बने, पर हाई LDO पहले हमें चेंज करना है, हेलो,
इस रीजन पे हमने सबसे पहले, उसके बाद फिर हम अपने बक को उठाते और उसके बाद एल फाइव बनता, फिर आखिरी में बनता हमारा लोअर एलडीओ। ये एस थ्री हमारा लोअर एलडीओ है और ये एस फोर हमारा हाई एलडीओ है। ये सबसे मेन है और ये सीपीयू के कोड के लिए, जो सीपीयू को मेमोरी कोर एपीसी एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए जाते हैं। क्या और हमने क्या किया, हमने ईमानदारी से हमने इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, हमने इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया। हेलो समझ में आ रहा है मेरे पास? कोई नहीं करता है वो सब आगे। आप पीएम को ही नहीं चेक कर रहे हो, पीएम का रियल आउटपुट हमने इस प्रोटोकॉल के हिसाब से चेक किया है। समझ में आ रहा है मेरी बात? कितने वोल्टेज के साथ हम देखो, देखते हैं क्या, अब हमें देखते हैं कि क्या हमें रिजल्ट मिलता है या नहीं। तो एम्पियर भी देखते हैं, वो भी देखते हैं, पहले एम्पियर देखेंगे क्या हमें कुछ एम्पियर आता है। पहले जीरो आ रहा था, हमने यहां पर कॉइल लगाया है, और अब हम देखेंगे, देखो 0.10 आ गया, 0.20 आ गया। हेलो, तो यहां मैं लोगो भी दिखाई दे गया। हेलो, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर? ये हमारा फोन ऑन हो गया, इसका मतलब हमारा वोल्टेज भी बन गया होगा। अगर हम वोल्टेज देखें तो हम सबसे पहले ईडीएल देख लेते हैं। हेलो, ईडीएल पे हमें मिलना चाहिए 1.8, कितना मिलना चाहिए था? आगे ईडीएल, यहाँ पर हम वापस देखेंगे 2 वोल्टेज, कितना वोल्टेज? 2 वोल्टेज। आ गए? Yes, किस किस को समझ में आया? Yes, और एक ऐसा फोन जिसका सीपीयू भी रिवोल्व किया, सब कुछ रिवोल्व किया, फिर भी नहीं बना पाया, ये नोटिस करो हमारे लोगों के साथ। Yes, सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम है वापन खांडेकर और मैं इधर 28 जून के बैच को ज्वाइन किया था। आज तो आज मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है कि मैं इधर एंड्रॉइड का कोर्स करने आया था, मेरे को आईफोन का कोर्स भी एशिया टेलीकॉम की तरफ से गिफ्ट में मिला है। तो एशिया टेलीकॉम को मेरी तरफ से धन्यवाद और देव सर को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। तो मैं चलो मैं एक चीज इंस्टीट्यूट की तरफ से एशिया टेलीकॉम की तरफ से आईफोन मास्टर सर्किट कोर्स और 5G अपग्रेड भी हमें गिफ्ट में दिया गया है। जी, जो गिफ्ट मिला है हमें एशिया टेलीकॉम की तरफ से एंड्रॉइड और आईफोन का जो लर्निंग ऐप है जो हमें आने वाले वक्त में इसके लिए सिखाएगा। तो ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एशिया टेलीकॉम का और एमडी सर का और देव सर का। चलिए ठीक है, मेरा नाम सावन जामे, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके, मेरे हाथ जैसे आप देख रहे हो ये आईफोन का गिफ्ट है, जो आईफोन का कोर्स से गिफ्ट मिला। मैं करने एंड्रॉइड आया था, एंड्रॉइड का आया था और मेरे को आईफोन का कोर्स से गिफ्ट मिल गया और अभी साथ में 5G सर्किट के साथ। देख रहे हो कि इसमें आईफोन प्लस 5G का कोर्स है, जो कि हमने पहले दिन आया था तो एंड्रॉइड सीख नहीं आए थे, लेकिन यहाँ में आईफोन का कोर्स है वो भी गिफ्ट है सर। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ एशिया टेलीकॉम और थैंक यू करना चाहता हूँ देव सर। महाराष्ट्र से हूँ। ओके, हम इधर एंड्रॉइड का सीखने आए थे सब, मोबाइल रिपेयरिंग, और देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने हमें उसके साथ आईफोन का भी कोर्स गिफ्ट दिया है। ओके, सर मैं यहाँ एंड्रॉइड का कोर्स सीखने आया था। देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने इधर मुझे आईफोन 5G का कोर्स गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं एशिया टेलीकॉम और देव सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं गिफ्ट मिला है मुझे आईफोन का कोर्स मिलने के लिए, और थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, एमडी सर का बहुत बहुत बढ़िया एक क्लिपिंग हो जाए सर के लिए, बहुत शुक्रिया। हमने दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो
और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी। यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से